हेलो दोस्तों, मैं हूं तुहिन और आप देख रहे हैं हाईटेक ब्रो। आज मैं इस वीडियो में आप सबको दिखाने वाला हूं 5 सबसे अच्छा गेमिंग प्रोसेसर आपके डेस्कटॉप के लिए 25,000 रुपए के अंदर। अगर आप एक नया पीसी बिल्ड कर रहे हैं और आप उसमें गेम्स खेलना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं, नहीं तो बस डेली यूज के लिए बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा कौन सा प्रोसेसर आपके लिए बेस्ट होने वाला है 25,000 रुपए के अंदर। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी लिस्ट में जो प्रोसेसर है वो इंटेल की तरफ से है। उसका नाम है इंटेल कोर i5-10600KF। ये इंटेल का 10 जनरेशन का प्रोसेसर है। आपको इसमें मिलता है 6 कोर और 12 थ्रेड और इस प्रोसेसर का बेस क्लॉक स्पीड है 4.10 GHz और मैक्स क्लॉक स्पीड है 4.80 GHz। और ये आता है 12 MB का इंटेल स्मार्ट कैश के साथ। अब सॉकेट के बारे में बात करें तो ये प्रोसेसर चलता है LGA1200 सॉकेट पे। अब प्राइस के बारे में बात करें तो इंटेल का प्रोसेसर आपको मिल जाएगा 17,260 रुपये के अंदर। प्राइस के हिसाब से प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है और आपको इसमें अच्छा खासा क्लॉक स्पीड भी मिलता है और आप इसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं। तो अगर आपको इंटेल का प्रोसेसर चाहिए और हमारे लिस्ट में दिखाए गए किसी भी और प्रोसेसर के बारे में चेक करना है और खरीदना है तो उन सबका बेस्ट बाय लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पर जाके कोई भी प्रोसेसर चेक कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अगर आप हमारे दिए हुए लिंक से खरीदते हैं तो हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है ऐसे ही और भी वीडियो बनाने के लिए। अब इसके बाद जो प्रोसेसर हमारे लिस्ट में है वो AMD की तरफ से है। उसका नाम है AMD Ryzen 5 5600G। आपको इसमें मिलता है 6 कोर और 12 थ्रेड और इसका बेस क्लॉक स्पीड है 3.9 GHz और मैक्स क्लॉक स्पीड है 4.4 GHz। और ये आता है 19 MB का कैश मेमोरी के साथ। उसके साथ आपको इसमें मिलता है रेडियन ग्राफिक्स। अब सॉकेट के बारे में बात करें तो ये प्रोसेसर चलता है AM4 का सॉकेट पेयर। अब प्राइस के बारे में बात करें तो आपको ये प्रोसेसर मिल जाएगा 24,000 रुपये के अंदर और ये आता है 3 साल के वारंटी के साथ। AMD का ये प्रोसेसर गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि आपको इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलता है, तो आपको अलग से कोई ग्राफिक्स कार्ड लेने का जरूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत गेम तो इससे ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फुल HD हाई सेटिंग में गेम खेलना है तो आपको तो एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड लेना ही पड़ेगा। उसके साथ आपको इसमें अच्छा क्लॉक स्पीड मिलता है और आप इस प्रोसेसर को ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं और ये प्रोसेसर उतना गर्म भी नहीं होता है, तो ये गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब इसके बाद जो प्रोसेसर हमारे लिस्ट में है वो इंटेल की तरफ से है। उसका नाम है इंटेल कोर i5-12500। आपको इसमें मिलता है 6 कोर और 12 थ्रेड और इसका बेस क्लॉक स्पीड है 3 GHz का और मैक्स क्लॉक स्पीड है 4.6 GHz का। और ये प्रोसेसर आता है 18 MB का कैश मेमोरी के साथ। अब सॉकेट के बारे में बात करें तो ये प्रोसेसर चलता है LGA1700 का सॉकेट पे। अब प्राइस के बारे में बात करें तो आपको ये प्रोसेसर मिल जाएगा 25,000 रुपये के अंदर। आपको इस प्रोसेसर में बहुत ही अच्छा सिंगल कोर परफॉर्मेंस मिलता है और उसके साथ ही मल्टीटास्किंग में भी बहुत ही अच्छा है, तो ऑफिस का काम भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और ये DDR5 मेमोरी के साथ PCIe 5.0 को भी सपोर्ट करता है, तो अगर आपको एकदम अप टू डेट रहना है तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब इसके बाद नंबर 2 पे जो प्रोसेसर हमारे लिस्ट में है वो भी इंटेल की तरफ से है। उसका नाम है इंटेल कोर i5-11600K। आपको इसमें भी मिलता है 6 कोर और 12 थ्रेड और इसका बेस क्लॉक स्पीड है 3.90 GHz और मैक्स क्लॉक स्पीड है 4.90 GHz का। और ये प्रोसेसर आता है इंटेल का UHD ग्राफिक्स 750 के साथ और आपको इसमें 12 MB का कैश मेमोरी मिलता है। अब सॉकेट के बारे में बात करें तो ये प्रोसेसर चलता है LGA1200 पे। अब प्राइस के बारे में बात करें तो इंटेल का प्रोसेसर आपको मिल जाएगा 22,000 रुपये के अंदर। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, आपको इसे मिलता है इंटेल का ग्राफिक्स, तो आप इस प्रोसेसर से ग्राफिक्स कार्ड के बिना भी थोड़ा बहुत गेम खेल सकते हैं। उसके साथ ये 4K भी सपोर्ट करता है 60Hz पे, तो अगर आप ग्राफिक्स कार्ड नहीं लेना चाहते फिर भी आप इसमें 4K वीडियो देख सकते हैं और आप इस प्रोसेसर को भी ओवरक्लॉक कर सकते हैं। और ये प्रोसेसर उतना ज़्यादा हीट भी नहीं होता है और ये गेमिंग के लिए 25,000 रुपये के अंदर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब इसके बाद हमारी लिस्ट का नंबर 1 प्रोसेसर बताने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप में से 99% लोगों ने अभी तक हमारे चैनल हाईटेक ब्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप आगे भी हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्रिप्शन एकदम ही फ्री है। अब इसके बाद नंबर 1 पे जो प्रोसेसर हमारे लिस्ट में है वो AMD की तरफ से है। उसका नाम है Ryzen 5 5600X। आपको इसमें मिलता है 6 कोर और 12 थ्रेड और इसका बेस क्लॉक स्पीड है 3.7 GHz का और मैक्स क्लॉक स्पीड है 4.6 GHz का, लेकिन आपको इसमें मिलता है 35 MB का कैश मेमोरी। अब सॉकेट के बारे में बात करें तो AMD का ये प्रोसेसर चलता है AM4 के सॉकेट पर। अब प्राइस के बारे में बात करें तो आपको ये प्रोसेसर मिल जाएगा 25,000 रुपये के अंदर। इस प्रोसेसर का गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है और ये उतना ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है और इसको बहुत ही आसानी से आप मार्केट में ढूंढ सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अब सबसे आखिर में बात करें कौन सा प्रोसेसर आपको लेना चाहिए।
अगर आप अभी के टाइम में बेस्ट प्रोसेसर लेना चाहते हैं गेमिंग के लिए तो आपको लेना चाहिए राइजन 5 का 5600X, क्योंकि आपको इसमें 25,000 रुपये के अंदर सबसे अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा और ये एडिटिंग से लेके मल्टीटास्किंग में भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपको इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं मिलता है तो आपको अलग से ग्राफिक्स कार्ड खरीदना पड़ेगा इसको चलाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड है तो ये आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होने वाला है 25,000 रुपये के अंदर। लेकिन अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है लेकिन फिर भी आप एक पीसी बिल्ड करना चाहते हैं ग्राफिक्स कार्ड के बगैर, तो आपको लेना चाहिए इंटेल कोर i5 का 11600K, क्योंकि आपको इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलता है और ये प्रोसेसर भी बहुत ही पावरफुल है। आप इससे सारे गेम्स चला सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। उसके साथ आप इसमें 4K वीडियो भी देख सकते हैं बिना ग्राफिक्स कार्ड के, तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड अभी नहीं है, आप सोच रहे बाद में ग्राफिक्स कार्ड खरीदेंगे, तो आप इस प्रोसेसर को ले सकते हैं और इसका इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स को यूज़ करके गेमिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंटेल का प्रोसेसर नहीं लेना चाहते, आप AMD का प्रोसेसर ही लेना चाहते हैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ, तो आपको लेना चाहिए राइजन 5 का 5600G। आपको इसमें रेडियन का ग्राफिक्स मिलता है तो आप इससे भी थोड़ा बहुत गेमिंग कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है 25,000 रुपये के अंदर। तो यही था हमारी लिस्ट का 5 सबसे अच्छा गेमिंग प्रोसेसर 25,000 रुपये के अंदर। आपको इन सारे प्रोसेसर का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाके कोई भी प्रोसेसर चेक कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। और अगर आपको बेस्ट गेमिंग ईयरफोन चाहिए 1,000 रुपये के अंदर, तो उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा आई बटन में, आप वहाँ पर जाके वो भी देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताइए आपको कौन सा प्रोसेसर बेस्ट लगता है 25,000 रुपये के अंदर। और अगर आप पीसी पार्ट्स के ऊपर और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आप सबसे फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।